तो ये है खेत का ताजा धनिया। इतना सारा धनिया मैंने ले लिया, ऐसा लग रहा है पूरा खेत ले लिया। अरे आज भैया बहुत ठंडा है। ये देखो हमारे एक और दादा आएंगे। आग देख रहे आग है ना, मजेदार लाठी मार रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल द व्यूअर्स गुड मॉर्निंग। देखो बहुत ठंडी हो रखी है, मैं उठ चुका हूँ और बाहर निकल आए हैं, ठीक है। वही हमारी प्यारी सी स्वीट सी गांव का है ना नज़ारा। गांव में आया हूँ छुट्टी पे, तो गांव का नज़ारा एकदम स्पेशल होता है, बढ़िया होता है, लेकिन चारों तरफ कोहरा है, ठीक है, और बहुत ठंड है। चलो देखते हैं गोपाली दादा क्या कर रहे हैं, है ना। आओ तो गोपाली दादा के पास चलते हैं और देखते हैं। ये गोपाली दादा ने दुकान खोल रखी है शायद, है ना। हाँ खोल रखी, कुछ दिखाई नहीं देता ना दूर से। ये हमारे चिंडू मिंडू हैं, ये स्कूल जाने के लिए तैयार हैं सबके सब, और ये गोपाली दादा की दुकान खुली हुई है, अंदर है शायद। आप मिलते हैं। और गोंडी क्या हाल चाल है भैया? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तुम तो सवेरे सवेरे बना ही रहे हो व्लॉग। अरे सोचा लाओ गांव में है तो कुछ बना लिया जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कैसी रही रात? अरे आज भैया बहुत ठंडा है। ये देखो हमारे एक और दादा आएंगे। आखा राम राम। दिखाई कुछ नहीं दे रहे हैं यार। और दादा तो, दादा क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ठंडी हो रही है, आगे आगे जलाओ। आगे बात जलाने वाले हैं। हाँ तो अभी हम लोग आग जलाते हैं। हमारे चिरकुट देखो जो टोपा नहीं लगाए खड़े हैं। देखो वही खड़े वही उधर। ओए बगाए टोपा वाले। चंगू मंगू। इतने कोई राम जा रहे स्कूल टोपा नहीं लगाए। अरे तुम भी हो। घर की बात थोड़ी अलग होती है। आप काफी दिनों बाद जब घर पे आते हो तो बहुत अलग तरह का सुकून मिलता है लाइफ में। और मेरा गांव में आना घर पे बहुत अच्छा फील देता है। और माँ के हाथ का खाना स्पेशली, और पिताश्री के साथ बैठना अलग ही फील है, मज़ा आती है ना। तो जैसे गांव की ना यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मज़ा आती है। बाहर निकल जाओ आप, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो एनवायरनमेंट है ना आसपास की, इसमें इतनी ताजगी है ना कि क्या बात करें। सब जानते होंगे, जो लोग ये जानते हैं ना कि हाँ सच में शहर की लाइफ से गांव की लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो वो कमेंट करें। और जो कहते हैं कि शहर की लाइफ गांव की लाइफ से अच्छी होती है, तो वो कमेंट पिन करें, ठीक है। वैसे मैं दिखाऊंगा कि माँ जी ने ना बहुत सी चीज़ें बनाई हैं मेरे लिए, जो मैं पैक करके ले जाऊँगा और खा रहा हूँ और खाऊँगा। तो अभी चलते हैं ना, गोपाली भैया आग जला रहे हैं। तो आज आपको ना हम सच बता रहे एक आधुनिक तरीका दिखाएंगे जो सिर्फ गांव में ही इन्वेंट हो सकता है और कहीं नहीं। वो देखो कैसे जलाते हैं आग। तो देखो पता है, देखो कैसे जला रहे हैं आग, जलाने का तरीका ये देखो। अब भैया ठंड में ताप ले हुआ है। ये आग जल रही है। आग जलाने का सरल उपाय देखो, हवा से आग जल रही है। हवा से आग जल रही है। अच्छी लगे तो कमेंट में बताना। ओहो आग ताप जाना आगे। सुबह ठंडी बहुत हो रखी है, ताप लो भैया। है ना मजेदार। दर्राटे मार रही है, दर्राटे काट रही है आग भी। ऐसी आग शहर में दिखती है? नहीं दिखती है ना, वहां पे तो कोई नहीं। लेकिन गांव की आग की बात ही अलग होती है। गांव की चाय हो, और चाय तो छोड़ो, सुबह की चाय तो हर जगह की सबसे बढ़िया लगती है, लेकिन गांव की लाइफ अच्छी लगती है। मेन चीज पता है कब अच्छी लगती है? सुबह और शाम की, है ना। बना शहर में ना इतनी भगदड़ है, इतनी फास्ट लाइफ है हर इंसान की, तो गांव में ना थोड़ा सुकून है, थोड़ी स्थिरता है,
बट अच्छा लगता है हर जगह। हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर किसी की अपनी एडवांटेजेस हैं, किस कोई डिसएडवांटेजेस हैं, बट यहाँ की अगर एक चीज़ है बीमार नहीं होना है तो ये गांव सुकून वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर सुकून वाला है। सोनिए हीरिए तेनु याद आंदिए, कॉपीराइट लब्बा हो गए गाने हैं भैया, एक कॉपीराइट आ जाता है, गाना भी नहीं गा सकते बताओ किसी का। तुम गाने से कॉपीराइट आता और क्या, अब खाली गाने गाओ हैं बोलो, कोई ये जन बोलो बोलो आराम से कुछ भी करो, गाना गाओ कोई बोल आ जाता है 15 सेकंड के अंदर बस। ओ देखो सभी लोग हैं, ये हमारे मामा श्री हैं, इनको तो भैया को तो जानते होंगे, ये बड़े फेमस आदमी हैं। नहीं जानते हो तो जान लीजिए आज, जान लीजिए ठीक है। और हाँ एक चीज और है, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस दोनों के भैया के भी है ठीक है, मेंशन है दोनों के चैनल, आपको पता है दोनों के चैनल मेंशन है। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है और कुछ नहीं। कमेंट भी छोड़ देंगे, सब कर दो प्लीज ठीक है। अब आगे की बताते हैं फिर पूरे दिन में क्या होता है ठीक है। तो पता है बहुत कुछ चलता है, देखो पापा ना हमारे क्या कर रहे हैं, सोया काट रहे हैं है ना, पापा जी रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे सोया काट रहे हैं पापा जी, देख रहे हैं दिख रहे है ना। पापा जी बहुत काम करते हैं हमारे, माँ जी पूरी हेल्प करते हैं क्योंकि माँ जी पापा जी रहते हैं, हम सब लोग बाहर रहते हैं और माँ जी हमारी पूजा कर रही हैं। है तो अभी हम जा रहे हैं ना धनिया लेने ठीक है, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों यार ना कोहरा बहुत है और मैं जा रहा हूँ धनिया लेने, खेत की तरफ जा रहा हूँ और कुछ नहीं समझ में आ रहा है सच बता रहा हूँ, तो धनिया लेने चलते हैं। और मज़े की बात ये है ना भाई कि देखते क्या होता है, मैं खुद मुझे बहुत मज़ा आती है कि मैं जब भी खेत जाता हूँ किसी के भी घुस जाता हूँ, एक हैं उनके यहाँ धनिया है तो लेने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। फाइनली हम लोग ना पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पानी भरा जा रहा है और उधर साइड खेत है बट दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में और ऐसे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग जाएंगे, आगे से रास्ता है तो यहाँ से ऐसे टर्न होना है तो चलते हैं। पर यहाँ पे पानी लगाया जा रहा है तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, तो पानी भरा हुआ है यार कैसे जाएंगे। देखो यहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा, हो यहाँ तो मैं फंस गया हूँ यार, अरे बाप रे ये तो यार ख़राब हो गए पैर मेरे, देखो तो पैर ख़राब हो गए हैं। हम लोग फाइनली ना खेत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो है ये बैरियर्स लगे हुए हैं, ये हैं खेत, इसी में अंदर साइड शायद धनिया है उधर साइड, लेकिन निकलेंगे कहाँ से, यहाँ सब बैरियर है कहीं से निकलने की वह ही नहीं, ये तो दिक्कत हो गई। पर हमें है ना जुगाड़ी बैरियर को ना नांग के आगे है ना, यहाँ पे काफ़ी कुछ है यार आप देख सकते हैं, यहाँ ये पत्ता गोभी है ये, लेकिन अभी छोटी छोटी है। और इधर साइड ये क्या है, ये आई थिंक गाजर है, गाजर है ये, और टमाटर है ना, ये तो सब गाजर ही है, और धनिया तो दिख नहीं रही मुझे,
पहले मैं आता था यहाँ पे धनिया हुआ करती थी, अब यहाँ पे गाजर है, तो धनिया नहीं है क्या? देखिए सब गाजर ही गाजर है, धनिया मुझे दिख नहीं रही है। मुझे लग रहा है ना उधर साइड कहीं होगी। यहाँ पे टमाटर हैं, आपकी पत्ता गोभी है, और आगे क्या है? ये क्या है? ये आई थिंक धनिया है, ये रही धनिया। मिल गई मिल गई। खेत का ताजा धनिया, इतना सारा धनिया मैंने ले लिया, ऐसा लग रहा है पूरा खेत ले लिया, पूरा खेत ना ले आया हूँ धनिया का। अब फटाफट माजी को देते हैं और देखते हैं क्या बनाती है माजी, है ना? चलो घर चलते हैं। हाँ तो देखो मैं धनिया लेके आया हूँ और पापा जी वो क्या बना रहे हैं, पंजीरी बना रहे हैं मेरे लिए, तैयारी कर रहे हैं। पापा बहुत बढ़िया कुकिंग करते हैं, बहुत कमाल की। अब मैं आ चुका हूँ मंदिर, यहाँ पे माँ जी आई हुई हैं पूजा करने। ये देखो माँ जी हैं मेरी, वो पूजा कर रही हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है। और ये हमारे मंदिर के ना भगवान जी हैं, बजरंग बली बाबा, और ये प्यारे प्यारे पिल्ला हैं। ये यहाँ पे मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में पूजा करने, मैं बजरंग बली जी का भक्त हूँ सभी जानते हैं। और ये माँ जी बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रही हैं। माँ जी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर माँ जी को सिर्फ पूजा में ही लीन है। माला ला करेंगी माँ जी, तब तक हम चलते हैं। और ये पता है मैं बैंक गया था तो रील बना रहा हूँ, है ना? तो माँ जी को नहीं पता है रील बन रही है, माँ जी अपनी बातें कर रही हैं, मैं अपनी रील बना रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ। पैदल आ रहे हैं हम लोग, थोड़ा काम था बैंक में, तो बस चलते फिरते मौज करते हुए माँ जी के साथ आ रहे हैं। ओहो क्या बात है। देखो माँ जी ने ना पेड़ा बनाया है ना, तो हम खाने चल रहे हैं। ये देखो पेड़ा बनाए, ये पेड़ा है और हम खाएंगे, बहुत बढ़िया है। माँ जी घाट की ना सब चीज़ें अच्छी होती हैं, एकदम बढ़िया से। चलो माँ जी से मिलवाते हैं। कहाँ पे? माँ जी पेड़ा बना रही हैं और वहाँ पे लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। माँ जी बहुत काम करती हैं हमारी, पेड़ा भर रही हैं हमारे लिए। देखो तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया हुआ था घी लेने, यहाँ पे दूध की डेयरी है तो मैं वेट कर रहा हूँ, डेयरी तो बंद है। अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ जिनकी ये डेयरी है, वो लॉक करके अपने घर चले गए हैं चाय पीने, पता चला है। तो मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, देखो कब आते हैं, है ना? तब तक मैं सोच रहा हूँ लाओ वीडियो वीडियो बनाया जाए। तो मैंने निकाला फ़ोन और बस लग गया हूँ वीडियो बनाने। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं, मैं बाइक से आया हूँ, अब देखते हैं। और ये भैया आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर।
तो फाइनली हमें घी मिल चुका है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये बाइक खड़ी है हमारी, इसमें बैग है और बैग में हम रखेंगे घी। और चलो फिर घी रखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। ये तो 550 का है। वो वाला सादा वाला था 540 रुपया का। जी ले आए थे 530। हाँ हम लाए थे ये 530 का लाए थे, 540 का, 530 का तो सादा वाला लाए थे। ये है हमारे घर की फुलवारी, ये मम्मी पापा ने कर रखी है। कितने सुंदर सुंदर से गेंदा के फूल हैं, प्यारे प्यारे से, बहुत बढ़िया स्मेल आती है। आहा कितनी अच्छी खुशबू है ना, है ना, काफ़ी सुंदर लगती है। आप देखें बहुत प्यारे हैं फूल, हैं क्या सुंदर सुंदर से फूल हैं। घर पे आओ ना, यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मज़ा आ गई। फाइनली अब मैं इस ब्लॉग को बाइंड करने वाला हूँ। तो आज बहुत कुछ किया, रुक जाओ पहले पूरी बात खत्म कर लेते हैं। ये भैया ना माइक लिए लिए घूम रहे हैं यार, देखो ये भाई साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट बाकी है? हाँ बाकी है। हाँ बोलो। बोलना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वीडियो आनंद आप लोग पूरा ले लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद, लाओ दे दो दोबारा मैंने कुछ। हाँ ठीक है। और हमारा ब्लॉग ना अगर आपको अच्छा लगा हो, दूर से बोलना पड़ता है क्या इसमें? हाँ ठीक है, हाँ आप समझ गया मैं, ठीक है। और अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज हमने ना बहुत सारी चीजें करी, माजी साथ घूमा, बहुत कुछ बनवाया, उनके साथ किचन में हेल्प करी, ये गोपाली भैया है। तो हाथ दर्द होने लगे थे मेरे सच में, ले रहा हूँ जैसे मैं थक गया हूँ। कौन है? हम सोच रहे घुमाई की बनाने ऐसे। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, ऐसे सही आ रही है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो ऐसे बना देते हैं, इससे बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो आप लोग प्यार दीजिए, और जैसे भैया ने बोला है ना, कमेंट छोड़ो, लाइक करो, शेयर करो, और हमें यार सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। क्या चाहते हो आप लोग? रोज ना कुछ हमारी दिनचर्या की चीज़ें आती रहेंगी, मेरी आएंगी, गोपाली भैया की आएंगी। तो दोनों के चैनल है ना, उनके आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब कर लो जाके, दोनों को लास्ट में आपको मिल जाएगा चैनल का लोगो, तो जाओ और सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं।